आपके साथ भी करने जा रहे हैं। एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने मुझसे एक छोटा सा सवाल पूछा था। बेसिकली उनके पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें इस तरह के नेम्स है और इस तरह के सिटी, तो उनको एक रिपोर्ट या कुछ ऐसा डेटा बनाना है जिनमें क्या करना है उनको कि जैसे उन्होंने एक नेम पूजा को यहाँ पर रखा, पूजा को लिया और यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद वो पूरे सिटी को, इस पूरे सिटी को लेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर इस पूजा को ड्रैग कर देंगे, फिर वापस सेम नीरज को लेंगे और लास्ट में वो पेस्ट करेंगे। और यहां पे इसको लेके पेस्ट कर, ठीक है सर? जी सर। इसी प्रोसीजर को उनको दोबारा बनाना है। अब मैनुअल करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा ना सर, तो ये फॉर्मूले के थ्रू करना चाहते हैं। जी सर। तो कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। मतलब फॉर्मूले के थ्रू नहीं होगा, वीवी के थ्रू करना चाहते हैं, तो चलिए हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग इसके लिए ट्राई करते हैं। तो सब्जेक्ट कॉपी पी के नाम से मैंने बनाया, थैंक यू ओपन क्लोज। अब यहाँ पे लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू कितना है यहाँ पे 14, या फिर इसको आप अपने हिसाब से डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है सर? नहीं सर, टू से स्टार्ट होगा ना सर? नहीं, इसमें हेडिंग नहीं, इसलिए टू से स्टार्ट नहीं होगा। ओह ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं रेंज जी 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप और ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स, सेल्स या फिर रेंज दे दीजिए, हाँ रेंज। कॉलम हमारा ए फिक्स है, ए उसके साथ हमने कंबाइन किया आई डॉट वैल, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहां पे रेंज ये आपका डी वन से लेके 19 तक, इसको भी आप अपने हिसाब से डायनेमिक कर सकते हैं, जहां तो आपको पता ही सर क्या रमेश जी। जी सर। डॉट हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर हम यहां आते हैं रेंज ए, ऊपर जो हमारा ए हमने ए लाइन ले रखी है, इसी लाइन को हम दोहराते हैं। इसमें हम जीरो के, यहां जीरो करते हैं, यहां पे वन करते हैं, अगले सेल में जाके पेस्ट करना है ना हमें, और यहां पे पेस्ट स्पेशल कर देते हैं। पेस्ट हो गया, मतलब कि ये सबसे पहला लाइन में क्या किया कि इस पूजा को उठा के यहां रखा, फिर इस पूरे एरिया को कॉपी किया और नीचे से मतलब कि नीचे से ऊपर गया और ऑफसेट में इसको एक सेल आगे किया और इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं एच कॉलम में नीचे से ऊपर आऊंगा, इस साइड में आऊंगा और इस पूरे को सेलेक्ट करके फिल डाउन कर लूंगा। तो इसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा रेंज एच 65,000 डॉट एंड एक्सेल आप डॉट ऑफ से रो जीरो रहेगा और कॉलन माइनस वन हो जाएगा डॉट सेलेक्ट, और फिर हम बोलेंगे कि रेंज स्टार्ट करो एक्टिव सेल से और एक्टिव सेल डॉट एंड, इसमें मैंने बोल दिया एक्सेलस आप
डॉट फिल डाउन, कंट्रोल डी जो होता है फिल डाउन कर दिया, ठीक है सर। सर कंट्रोल डी कर देना और इसी प्रोसीजर को और बार बार दोहराएगा। अब चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। एकदम परफेक्ट। हेलो क्लियर, ठीक है। तो एक कोड भी आप लोगों को मैं मेल कर देता हूं, ये फाइल भेज देता हूं, ठीक है। हाँ फाइल भेज दीजिए, आप लोग इस पे प्रैक्टिस। हेलो, हाँ जाहिर जी, गुड मॉर्निंग। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। मैंने आपको एक फाइल मेल की है, देख लीजिएगा। फाइल नहीं, फुल पीडीएफ बुक्स मेल किया है मैंने, ठीक है। तो उस बुक को तो मैंने मेल किया है, बट उस बुक को चाहो तो आप परचेज भी कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी है लेकिन उसको हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हो, अमेज़न वगैरह पे मिल जाता है। चलिए मैं भेज दूंगा। अब वापस चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, ऑल टॉपिक है वेरिएबल्स की। हम चलिए वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने से पहले बता दूं आपको, जो मैंने बुक भेजा है उसमें पेज नंबर 199 में वेरिएबल्स के बारे में दिया होगा, तो आप उसको एक बार अपने हिसाब से स्टडी कर लीजिएगा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं आगे कि हमारे पास वेरिएबल्स का इस्तेमाल क्यों होता है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा एबीसीडी या फिर एक्स वाई जेड इस तरह के वेरिएबल्स ले लेता, तो बेसिकली टेम्पररी सेविंग लोकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 20 प्लस 30 करना है, तो 20 प्लस 30 का रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, इसके स्टोरेज पॉइंट चाहिए ना। तो स्टोरेज पॉइंट के लिए खाए तो मैं रेंज को ले सकता हूँ कि रेंज ए वन डॉट ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू 20 प्लस 30, और जहां मुझे 50 की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम ए वन की वैल्यू ले लेंगे। बट प्रॉब्लम है कि हमेशा ए वन को खाली रखना पड़ेगा, मतलब कि ए वन हमारा बाउंड हो जाएगा, तो मैं ये बाउंड नहीं करना चाहता। तो हम लोग एबीसीडी इस तरह के वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपके मेमोरी में, आपके सिस्टम में एक टेम्परेरी सेविंग क्रिएट करता है, कब तक कि जब तक आपका मैक्रो रनिंग है। मैक्रो रनिंग होते ही ये अपना आपको डिलीट कर लेता है जहां पे डेटा स्टोर होता है। लेकिन इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे दिया डिम डी एज ए बाइट, डिम मतलब डायमेंशन, आपके हार्ड डिस्क के किसी भी एक डायमेंशन में बी नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ जो सिर्फ बाइट डेटा टाइप को लेगा। बाइट मतलब इसकी कैपेसिटी होती है कि जीरो से 255 तक की डेटा को स्टोर करता है, ना नेगेटिव ना डेसिमल्स। उस तरह से दूसरा होता है हमारे पास डिम आपका डीएल एज ए बुलियन। बी एज ए बुलियन क्या करता है, इसे ट्रू फॉल्स को कंसीडर करता है। तो कुछ रहता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, बेसिकली कास्ट डिफाइन हुआ तो बी के ऊपर जो है, अगर किसी ने बी के ऊपर अगर 300 के अमाउंट डाल दिया तो ए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो अगर आप डेटा कुछ इस तरह का बना रहे हो जहां पे आपको 255 से डेटा ज्यादा नहीं चाहिए, डेसिमल्स भी नहीं चाहिए, तो वहां पे जो है आप इस तरह का ले सकते ताकि इनपुट करेगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो आपको इफ कंडीशन वगैरह लगाने से बच जाए। दूसरा होता है सपोज हमने बीएल एज ए बुलियन कर दिया, तो जैसे मैं बीएल के ऊपर कुछ भी टाइप करूं, मैंने ये दूंगा तो ट्रू एंड फॉल्स का यहां पे आ गया, इस तरह से हेल्प करता है। उस तरह से यहां पे आता है आई एज ए इंटीजर।
अब इंटीजर जो है वो आपका माइनस 32,000 समथिंग टू प्लस 32,000 समथिंग को लेता है, लेकिन डेसिमल ए भी नहीं लेता लेकिन माइनस लेता है। तो इंटीजर पे आप माइनस को डाल सकते हैं बट डेसिमल इसमें भी नहीं डाल सकते, लेकिन आपके पास क्या बोल रहे हैं ये जो इंटीजर है टैक्स साइज एक्सेप्ट नहीं करता शायद ये नंबर लेगा शायद ये जो 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 हमारा इंटीजर है दोबारा से बोलिए क्या बोल रहे हैं मैं सर ये कह रहा हूं कि जो हमारा इंटीजर है शायद टैक्स को होल्ड नहीं करता शायद ये नंबर को ही होल्ड नंबर ही होगा माइनस 32,000 से प्लस 32,000 दिया तो उसमें टैक्स नहीं आएगा सर टैक्स नहीं होल्ड करेगा टैक्स ऊपर कोई होल्ड नहीं करेगा जो मैं बता रहा हूं नंबर डेटा टाइप बता रहा हूं ठीक है जी जी तो डिम आपका एल एज ए लॉन्ग ठीक है तो लॉन्ग के अंदर में काफी ज्यादा वैल्यू डाल सकते हैं लेकिन इसमें भी डेसिमल्स नहीं डाल सकते। अब इसकी लिमिटेशन आप बुक में देख लीजिएगा ठीक है जी। ये इससे ज्यादा नहीं डाल सकते ऐसा लग गया ठीक है ना ये आपका ए है इतने डिजिट तक का डेटा डाल सकते हैं इससे ज्यादा ठीक है। फिर आता है डिम एस एज ए सिंगल सिंगल क्या है सिंगल में आप इससे भी ज्यादा डेटा डाल सकते हो और अपने आप साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया देख रहे आप साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया लेकिन ये हैश लगा दिया था ठीक है। तो ये आपका 15 डिजिट तक का डेटा को रखेगा 15 डिजिट से ज्यादा को डेटा को नहीं एक्सेप्ट करता क्योंकि आपका कंप्यूटर कैलकुलेट ही नहीं करेगा ठीक है। और आता है डेसिमल्स तो हम डी एज ए डबल डबल के ऊपर डबल की जो कैपेसिटी है सबसे ज्यादा है और ये डेसिमल्स को भी एक्सेप्ट करता है ठीक है। तो डी के ऊपर आप कुछ भी दे सकते हैं नंबर्स में चाहे डेसिमल्स हो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो ताकि 15 डिजिट तक का डेटा डाल पाएंगे आप क्लियर सर दे। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट डेट एंड टाइम की तो आप जो है dt as a date डेट में अब डेट का फायदा क्या होगा जैसे आप डेट डालोगे टेक्स्ट में इन ऑर्डर नंबर 1 January 2013 वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा इसमें डेट में अगर आपने डेट का नहीं किया तो इसको टेक्स्ट ही समझेगा तो कन्वर्जन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है टेक्स्ट डिम टी एज ए टेक्स्ट स्ट्रिंग तो टी के ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हो बट नॉन कैलकुलेटिव डेटा ठीक है इन द इन्वर्टेड कॉमा इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा या फिर आप इसी इसके ऊपर कोई भी अल्फाबेटिक डाल सकते हैं 32,700 कुछ समथिंग करेक्टर ये इसकी लिमिटेशन है राइट सर। अब यहां पे कंफ्यूजन है कि कौन सा लूम कौन सा ना लूम मतलब आपके पास वीलुकअप ले लीजिए अब वीलुकअप आप वीलुकअप का जो इनपुट है जो हम लोग लुकअप वैल्यू लेते हैं तो लुकअप वैल्यू में कभी डेट भी हो सकता है टाइम भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो मान लीजिए कि वीलुकअप जैसा फॉर्मूला बना रहा हूं उस पे लुकअप वैल्यू देना है तो यहां पे कंफ्यूजन है ना कि मैं डेट लू या टेक्स्ट लू या नंबर लू क्या लू तो हमारे पास एक है डिम वी एज ए वेरिएंट ठीक है सर वी एज ए वेरिएंट तो इसके ऊपर अगर मैंने नंबर डाला तो वो आपका इंटीजर है तो इंटीजर बन गया लॉन्ग है तो लॉन्ग बन गया डबल है तो डबल बन गया डेट है तो डेट बन गया टेक्स्ट है तो टेक्स्ट इसको ऑल राउंड कर सकते हैं
राइट सर, ऑल राउंडर पर्सन। अब यहां पे छोटा सा दिक्कत आता है कि अगर मेरे पास वेरिएंट है तो मैं हमेशा इसी को यूज करूंगा, इसको बाकी की चीजों की यूज क्यों करूंगा। तो याद रखिएगा क्या होता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं आपके मेमोरी में एक स्पेस कैप्चर करता है, आपके मेमोरी में एक स्पेस को कैप्चर करता है। अब वो स्पेस जो कैप्चर करता है वो क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आपने बाइट किया तो आपका टू बाइट, बुलेन भी टू लेता है, इंटीजर चार लेता है, लॉन्ग आपका आई थिंक चार या आठ लेता है, इसकी एग्जैक्ट आपको बुक मिल जाएगी, मुझे याद नहीं है। सिंगल भी आपका जो आठ बाइट लेता है, डबल आई थिंक आठ या सोलह लेता है, डेट आपका चार या आठ लेता है, और स्ट्रिंग एच पर स्ट्रिंग साइज मिनिमम जिसका है वो चार बाइट है, लेकिन एच पर स्ट्रिंग साइज की बढ़ता करता रहता है, और वेरिएंट आपका 16 से 32 बाइट होता है मिनिमम, उसके बाद टेक्स्ट कन्वर्टिंग। तो सबसे ज्यादा स्पेस कैप्चर करता है। तो आप लोग सिर्फ बाइट कर रहा है, हमारे पास तो 4 GB का रैम, 8 GB का रैम, 1500 GB का हार्ड डिस्क है, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि आपकी जो एक जो सब्जेक्ट है, मतलब एक जो मैक्रोज है, उसकी साइज डिफाइन है 255 KB। तो जब छोटे मोटे मैक्रो यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बड़े मैक्रो यूज करोगे तो साइज में दिक्कत देगा। तो जैसे आपका 255 KB से ज्यादा सब्जेक्ट जाएगा वैसे ही आपको आ जाएगा प्रोसीजर टू लार्ज का एरर। क्लियर है जाहिद जी, तेजिंदर जी, कोई डाउट इसमें? ठीक है सर। एक तो हो गया, दूसरा होता है कन्वर्टर। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया डिम एल एज ए लॉन्ग, अगर मैं लॉन्ग लिखने के बाद लॉन्ग के ऊपर अगर मैंने कोई डेसिमल प्लेसेस दिया तो क्या होगा, डेसिमल प्लेसेस को राउंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी हो गया ना सर? जी सर, राउंड हो गया। तो फिर आपको इससे फायदा हुआ कि आपको राउंड करने के लिए राउंड का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना सर। अब आप यहाँ पे रेडियन से लेंगे तो राउंड नहीं करेगा, फिर आपको राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको राउंड नीड है तो आपको राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने डिफाइन कर दिया वेरिएंट की जगह पे लॉन्ग, तो हमारा डेसिमल्स को डिफाइन, डेसिमल्स को राउंड करने के लिए राउंड का फॉर्मूला डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गया? क्लियर सर? क्लियर सर। तो आप लोगों को जो मैंने बुक भेजा है उसके पेज नंबर 199 के बारे में वेरिएबल्स है, और उसके आगे पीछे के पेजेस पे वेरिएबल्स के बारे में एग्जांपल दिए गए, उसको एक बार स्टडी कर लो। कल हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन विद वेरिएबल। तो कल का जो टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नहीं कल सैटरडे है तो कल का टॉपिक मैं टॉपिक कवर नहीं करूंगा। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस क्या बोलते हैं 100 एग्जाम्पल करके एक हमारे पास है। हाँ इधर हम कल आपके साथ इसमें क्या है कि मेरे पास क्या है कि एक का 100 VVA माइक्रोज एग्जाम्पल का एक ए है फाइल है, हम आपके साथ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ इसमें छोटे छोटे 100 माइक्रोज है, हम इसके बारे में कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल गो टू मीटिंग से क्लास लेंगे और कल थोड़ी सी लंबी क्लास। सर कल क्लास है शनिवार को? कल मैं भी बात करूं, मैं 6 बजे नहीं, कल मैं 7 बजे आपकी क्लास लूंगा, 7 से लेके 8:30-9 तक चलेगी।
सात से लेकर साढ़े आठ नौ तक। ऑफिस है क्या आपका? हाँ जी। तो कल परसों कर लेते हैं, संडे को कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है सर। तो इसमें देखिए क्या है ना कि छोटे छोटे मैक्रोज है, दिख रहा है आपको सर? जी सर। जी सर। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक का नहीं होगा, टॉपिक से बाहर का होगा। जैसे एड सीरियल नंबर, यहाँ पे इंसर्ट द मल्टीपल कॉलम्स, इंसर्ट द मल्टीपल रो, ऑटो फिट कॉलम, रो फिट, रिमूव द टेक्स्ट ट्रैप, अनमर्ज सेल, ओपन द कैलकुलेटर, एड द हिडन एंड फुटर डेट्स, कस्टम हिडन फुटर डेट्स, शो द प्रोग्रेस बार स्टेटस, द फॉर्मेटिंग। ठीक है सर, छोटे छोटे मिसलेनियस मैक्रोज है इसके, जिसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हेलो। हाँ जी सर, एक तो आज की रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना प्लीज। ठीक है ठीक। और सर एक लास्ट में एक फाइल सेंड की सर आपको मैंने, वो अटेंडेंस वाली। जी सर। हेलो। जी सर। जी सर। तो अटेंडेंस का तो हो गया? नहीं हुआ सर, उसको कोई इश्यू आ रहा है, उसे मैंने लिखा था आपको मेल में। मैंने वो कहा तो दिया था मैंने आपको, मेरे कुछ क्वेरीज में लास्ट टाइम टाइम पूरा हो गया था। तो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर से सात दिनों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी सर बाकी प्रोजेक्ट्स पे। तो सर सात दिनों में तो दिन क्लास ही हुई है सर, इसमें से मंथ बेसिस फैब कर रहा हूँ, तो मतलब डेटा वो मतलब प्रॉपर नहीं आ रहा, जैसे मतलब जैन मार्च और जिसमें 31st तक जिसमें डेज होते हैं 31st तक, तो वो ले रहा है, लेकिन 30 और 28 डेज में वो मतलब कुछ वो दिखा रहा है, तो उसको रन करते हैं, मंथ चेंज करते हैं इसको। एक मिनट फरवरी करते तो सही नहीं दिखाता है क्या? सही नहीं दिखाता है? नहीं सर, जिस महीने में 31 डेज है तो उसका सही दिखा रहा, लेकिन जिसमें 30 है और 28 है उसका सही नहीं दिखा रहा। क्या अभी उसको रन सर, इसका रन करके चेक करना प्लीज एक बार। अभी क्या दिखा रहा है? ये है ना, फर्स्ट पे होगा सर, फर्स्ट शीट वन पे। इसको सर फाइव करना एक बार। लास्ट पे सर, सही सर, एक बार शीट उस पे वन पे, शीट वन पे, ये शीट फोर है। सही तो है, इसमें क्या दिक्कत आ रहा सर? इस पे शीट वन वन पे जो मैथ उसे बनाया तो वो जैसे 31 डेज का है, तो अपने आप वो जैसे 28 मैंने इसको फाइव किया तो टोटल पी और ये क्या नाम है ए और एल, यहाँ पे हमारी डेट है 29 और 30 31, यहाँ पे मतलब ये आ गया और मतलब इसने वो जगह रिकवर कर ली सर। ये देखिए देखिए, आप एक ही सीट के ऊपर अगर दोबारा से रन करोगे तो पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए इसी पर दोबारा माइक्रो रन करूंगा तो मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा, फिर वर्क करेगा। इसी पे से अगर मंथ चेंज कर रहा हूं तो मैं उसकी बात में, उसका सिस्टम तो आपने दिया ही नहीं ना, तो कैसे हो जाएगा? आपने उसका सिस्टम देंगे तब तो होगा ना, ऐसा कुछ डाला हुआ कि मंथ चेंज होगा तो ये चेंज कर दे? यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने फैब दे दिया तो फैब देने से क्या होगा, देखिए फैब देने से बाकी सब चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो डेट्स है डेट्स नहीं ना चेंज होंगे, क्योंकि डेट्स में ऐसा नहीं ना दिया गया है। इसमें इसलिए तो हम जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम मंथ चेंज नहीं करेंगे, हम फिर से रन करेंगे। अगर हम मंथ चेंज करेंगे तो फिर उसको पूरा फॉर्मूला समझाना पड़ेगा ना सर। हमने आपको क्या समझाया था कि जो मैक्रो होता है वो मैक्रो रन कर देते हैं, फिर इसको अपडेट करना होता है, दोबारा रन करना पड़ता है आपको, चेंज करने से आपका चीजें अपडेट नहीं होती। नहीं नहीं सर, दोबारा उसको मैंने रन किया था और रन करने के बाद जब इनपुट बॉक्स में उसको मंथ चेंज किया तो उसने मतलब
जहां पे बोला 20 आपके सामने तो मैं कर रहा हूं, आपके सामने तक कर रहा हूं कि मैंने यहां पे टैप कर दिया और ओके कर दिया तो फरवरी का आ रहा है। देखिए अगर मैं इस पे अब फेब की जगह पे मार्च करूंगा तो फिर ये ठीक नहीं आएगा। मुझे मार्च का चाहिए तो मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा या फिर नई सीट लेनी पड़ेगी और फिर से दोबारा हमारा मैक्रो रन करना पड़ेगा और फिर से यहाँ पे मार्च करना पड़ेगा। तो मार्च का